पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 विद अनोखा अंकित। हेलो हाय नमस्कार, पेरिस पैरा ओलंपिक के एक और अंक के साथ मैं हूं आपके बीच अनोखा अंकित। और आज हम एक बार फिर आपको ले चलेंगे पेरिस पैरा ओलंपिक के खेल गांव की। वहां दरअसल भारतीयों ने किया क्या है अब तक। सबसे पहली खुशी की खबर मैं आपको दे दूं कि 4 मेडल तो हमने डिस्कस कर लिए थे पिछले एपिसोड में। आज हमें एक मेडल और मिला जो कि था वुमेन्स 10 मीटर एयर पिस्टल की SH1 कैटेगरी में। SH1 कैटेगरी को मैं पिछले एपिसोड में एक्सप्लेन कर चुका हूं, लेकिन जो आज पहली बार जुड़ रहे हैं इस शो पर उनको बता दूं, SH1 कैटेगरी में वो खिलाड़ी आते हैं जिनके हाथ पैर यानी कि जो हाथ से नीचे का निचला हिस्सा होता है वो प्रभावित होता है, या उनके पैर प्रभावित होते हैं, या उनका कोई अंग नहीं होता है। रुबीना, इन्होंने हमको 5वां मेडल जिताया है। ऑल्दो हमको ब्रॉन्ज मिला है, 211.1 का इन्होंने शूट किया अपना फाइनल राउंड में। क्वालिफाइंग राउंड में ये 6ठे नंबर पर रही थी। वहीं ईरान की सारेह, इनको गोल्ड मिला है, 236.8 का इन्होंने जो है वो टारगेट किया यानी कि टोटल स्कोर किया। और वहीं टर्की की आरहे या आरजे आरजे, आप नाम मुझे कंफ्यूजन हो रहा है कि जो मैं पढ़ रहा हूं वो मुझे यही बता रहा है, खैर उन्होंने 231.1 के साथ जो है वो सिल्वर मेडल अपने नाम किया है। तो पहली खुशखबरी हमें नेक्स्ट डे भी मिली है, कुछ निराशा भी है, लेकिन आगे नेक्स्ट इवेंट पर चलते हैं। नेक्स्ट इवेंट है जो है सुकांत कदम का, और ये है मेंस इंडिविजुअल SL4 बैडमिंटन कैटेगरी में। ये मेडल का मैच नहीं है, लेकिन ये मैच बहुत इंपॉर्टेंट है, मायने रखता है, क्योंकि ये अपने ग्रुप के दोनों मैच जीत करके सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई हो चुके हैं। इन्होंने थाईलैंड के सिमारोम को हराया है, इनका नाम बड़ा कठिन है, सिमारोम टोकारोम करके कुछ इनका नाम है। इनको 25 मिनट में सीधे सेटों में 21-12 से हराया है। अगर एक और गेम की बात करें तो मनदीप कौर जो कि शटलर है यानी कि बैडमिंटन खेलती हैं SL3 कैटेगरी में। SL3 कैटेगरी वो कैटेगरी होती है जिसमें खिलाड़ियों के जो निचले हिस्से होते हैं वो प्रभावित होते हैं। इसमें उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की सिलेन विनोट को 21-23, 21-10 और 21-17 से हरा, यानी कि पहला गेम वो हारी थी, उसके बाद दोनों लगातार मैच जीते हैं और वो क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। ऑल दो ऑस्ट्रेलिया को हराना अपने आप में एक बड़ी बात है, एक बड़ी उपलब्धि है। मेडल आया कि नहीं ये हम आपको जरूर बताएंगे। नेक्स्ट, अगला मैच भी बैडमिंटन का ही है और ये भी SL3 कैटेगरी का मैच है। नितेश कुमार ने थाईलैंड के मॉनसोन बंसन, नाम के लिए माफी चाहता हूँ, बंसन जो है वो मुझे कंफर्म है, तो उनको इन्होंने सीधे सेटों में 21-13 और 21-14 से हराया और ये मैच मात्र 33 मिनट में खत्म हो गया। अगला जो मैच है या अगला जो खिलाड़ी है वो है 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग। फर्क समझिए, अभी तक हम बात कर रहे थे 10 मीटर एयर पिस्टल और ये है 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग। स्वरूप महावीर उन्हालकर ये जो है फाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाए क्योंकि ये क्वालिफाइंग राउंड में ही 14वें नंबर पर रहे। स्कोर किया 613.4, कोई बात नहीं, बेटर लक नेक्स्ट टाइम यानी कि ठीक 4 साल बाद। और ऐसा भी नहीं है कि केवल ओलंपिक ही खेलेंगे, वर्ल्ड चैंपियनशिप होती है, कुछ और भी गेम्स होते हैं, एशियंस गेम्स होते हैं जैसा मैंने पिछली बार बताया था, पैरा गेम्स होते हैं तो वहां पर ये अच्छा प्रदर्शन करेंगे तो मेडल तो वहां भी आएगा, लेकिन ओलंपिक के लिए इनको 4 साल का वेट करना पड़ेगा। और केवल वेट नहीं करना पड़ेगा, अपने आप को साबित भी करना पड़ेगा इन 4 सालों में, क्योंकि कोटा होता है, आपको क्वालिफाई करना होता है ओलंपिक्स के लिए। तो ऑल द बेस्ट है आपको सर।
दो नाम मैंने पिछली बार बताए थे, जिसका एक का रिजल्ट नहीं बताया था और एक का रिजल्ट बताया था, लेकिन आज थोड़ी सी उनकी डिटेल्स बता देता हूँ। ज्योति गडेरिया, इनके बारे में मैंने कल बताया था कि ये पैरासाइकिलिंग में थी, लेकिन इनकी कैटेगरी मुझे आज पता लगी है, वो थी C13 और ये थी 500 मीटर टाइम ट्रायल के क्वालिफाइंग में, और उसमें से जो टॉप 6 होते हैं वो आगे जाते हैं, तो ये 11वें पोजीशन पर रही थी, इसलिए ये फाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाई। वहीं मैंने एक अरशद शेख का नाम आपको बताया था लास्ट एपिसोड में, और उनकी कैटेगरी है C13, वही सेम कैटेगरी है जिस कैटेगरी में ज्योति थी, लेकिन ये था 1000 मीटर का टाइम ट्रायल, इसमें ये 17वें स्थान पर रहे। तो कोई बात नहीं, निराशा हाथ लगी है, आगे चलते हैं। ये जो मैंने आप लोगों को बताया ये था तीसरा दिन, दूसरा दिन इससे पहले मैं आपको बता चुका हूँ, और आपको पता है पहले दिन तो ज़्यादातर क्वालिफाइंग ही राउंड होते हैं, उसकी भी आपको मैं छोटी छोटी डिटेल्स जो मैं आपको बता रहा हूँ, तो क्वालिफाइंग राउंड में 6ठा स्थान 5वां स्थान वो मैं आपको बता रहा हूँ। अब बात करते हैं चौथे दिन की, तो चौथा दिन हमारे लिए बढ़िया रहा, क्योंकि देर रात 1 बजे सबसे पहले निषाद कुमार ने शॉर्ट पुट नहीं बल्कि लॉन्ग जंप, जी हाँ जी लॉन्ग जंप में हमको 2.05 मीटर की कूद के साथ अपना उन्होंने सीजन बेस्ट निकाला और हमको दिलाया है सिल्वर मेडल, और ये हमारा दूसरा सिल्वर मेडल है। प्रीति पाल जो ऑलरेडी 100 मीटर के ट्रैक पर जो हैं वो हमको दिला चुकी थी ब्रॉन्ज, उन्होंने एक और ब्रॉन्ज हमको दिलाया है और ये अब की बार 200 मीटर पर आया है। अगर मैं और बात करूँ तो बैडमिंटन के मेन्स इंडिविजुअल में सुहास यतिराज आगे पहुंच गए हैं, और इसके अलावा नीतीश कुमार वो भी आगे पहुंच गए हैं। इसके अलावा वुमेन्स का जो सिंगल्स हैं बैडमिंटन में उसमें नित्या भी आगे एडवांस हो गई हैं, और एक हैं रामादास करके, मनीषा रामादास हैं शायद, मैं नाम कंफर्म करता हूं आपको, वो भी आगे पहुंच गई हैं। लेकिन राकेश कुमार जो कि कंपाउंड आर्चरी में थे ब्रॉन्ज मेडल मैच के लिए, वो अपना मैच हार गए, और इसके अलावा अवनी लेखरा से हमें एक और मेडल की अगर उम्मीद थी तो वो भी नहीं हो पाई, क्योंकि 10 मीटर एयर राइफल के मिश्रित यानी कि मिक्स्ड इवेंट में वो जो हैं वो बाहर हो गई हैं। मैं नाम आपको कंफर्म करता हूँ किसके साथ खेल रही थी। तो जो हैं आपके मेंस बैडमिंटन वाले वो फाइनल में पहुंचे हैं, सुहास और नीतीश हैं वो फाइनल में, और जो महिलाएं हैं मनीषा रामादास और नित्या ये सेमीफाइनल में पहुंची हैं। इसके अलावा जो मिश्रित था यानी मिश्रित युगल जैसे कहते हैं मिक्स डबल्स, ये 10 मीटर एयर पिस्टल नहीं था, ये एयर राइफल था, और इसमें उनके जो जोड़ीदार थे वो थे, तो ये थे सिद्धार्थ बाबू जो कि अवनी लेखरा के साथ मिक्स डबल्स खेल रहे थे। अब अगर मैं आपको थोड़ा डिटेल में बताऊं, जहां पे निषाद कुमार जिन्होंने हमको सिल्वर जिताया है 2.04 के अपने सीजन बेस्ट के साथ, इसमें गोल्ड जो मिला है वो मैं रुकते बताता हूँ, पहले मैं आपको कैटेगरी बता देता हूँ। कैटेगरी है T47 और इस कैटेगरी में वो खिलाड़ी आते हैं जिनकी कोहनी या कलाई से निचला हिस्सा जो है वो काम नहीं करता है, और इसमें अमेरिका के वर्ल्ड और पैरा ओलंपिक के रिकॉर्ड धारी रॉड्रिक टॉमसन, इन्होंने 2.12 की मीटर की कूद के साथ गोल्ड जीता, और जॉर्जिया के जॉर्जिक ने 2 मीटर की जंप के साथ ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। केवल इतना ही नहीं, इस कैटेगरी में जिन खिलाड़ियों के दोनों पैर भी समान रूप से काम नहीं करते, हो सकता है एक काम करता हो एक ना करता हो, ऐसा भी हो सकता है। खैर, इसमें एक इंडिया के इस इवेंट में जिसमें हमें सिल्वर मिला है ये लॉन्ग जंप में, उसमें हमारे एक और खिलाड़ी थे रामदास, खैर ये मेडल की कंटेंजन से बाहर हो गए क्योंकि 7वें स्थान पर रहे, लेकिन इन्होंने अपना पर्सनल बेस्ट किया 1.95 मीटर की कूद के साथ।
भाई इसके बाद बात करनी चाहिए प्रीति पाल की। ये वो पहली खिलाड़ी हैं भारतीय ट्रैक में जिन्होंने 2 मेडल हासिल किए हैं ट्रैक में, पहली भारतीय हैं। ट्रैक की बात हो रही है किसी और वो भी भारतीय की। तो ये T35 कैटेगरी में खेलती हैं, T का मतलब ट्रैक, 35 कैटेगरी में वो खिलाड़ी आते हैं, हाइपरटोनिया, प्रतिभंग और एटोनिसिया। तीसरा थोड़ा डिफिकल्ट है, 2 समझ लीजिए, हाइपरटोनिया और प्रतिभंग, ये जो हैं इस बीमारी से ग्रसित लोग इस कैटेगरी में शामिल रहते हैं। खैर, चीन की जियान झोंग और कियान, जो मैंने पिछली बार भी 100 मीटर में बताया था, इन्हीं को मिला था सिल्वर और गोल्ड, इस बार भी चीन इसमें सिल्वर गोल्ड। लेकिन सबसे अच्छी बात इस इवेंट में ये रही कि 30.1 सेकंड, मेरे ख्याल से 30.1 सेकंड ही है, क्योंकि जहां से मैं ये इस रिपोर्ट को पढ़ रहा हूं वहां पर गलत थोड़ा सा है। खैर, 30.1 सेकंड के पर्सनल बेस्ट के साथ, इनका पर्सनल बेस्ट है जो इन्होंने ब्रॉन्ज जीता है, तो अच्छी बात है, हम चाइना को टक्कर दे रहे हैं और आने वाले समय में हम चाइना को पछाड़ भी देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। बस हमें अपने स्पोर्ट्स स्कूल्स बनाने की ज़रूरत है, प्रैक्टिस की ज़रूरत है, खिलाड़ी तैयार करने की ज़रूरत है, और ज़रूरत है हमें अपने खिलाड़ियों को इनकरेज करने की। हर एक को पढ़ाकू नहीं बनाइए भाई, इसको खिलाड़ा भी बनाइए, खिलाड़ी भी बनाइए। खिलाड़ी नहीं बनेंगे तो मेडल कहाँ से आएंगे, है ना? हर कोई डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन सकता, कुछ लोग खिलाड़ी भी बन सकते हैं। खैर, नेक्स्ट इवेंट पर चलते हैं। बात अगर मैं राकेश कुमार के इवेंट की डिटेलिंग में करूं तो राकेश कुमार भाई साहब कंपाउंड आर्चरी में खेल रहे थे और उनका मुकाबला पड़ गया ब्रॉन्ज मेडल में चाइना के सामने, और चाइना तो फिर चाइना है, लेकिन इन्होंने जो टक्कर दी है वो कमाल की, मात्र 1 पॉइंट से हारे हैं, 147 चाइना के और इनके 146। एंड शुरू के 3 गेम तक तो ये लीड पे भी थे, लेकिन वो लीड बस ये बचा के नहीं रख पाए। हमने ये देखा है, चाहे पेरिस ओलंपिक हो चाहे पैरा ओलंपिक हो, हमारे खिलाड़ी थोड़ा नर्वस हो जाते हैं और ये नर्वस होने के चक्कर में हम जो है वो मेडल से चूक जाते हैं। खैर, नेक्स्ट, राकेश कुमार जी की किस्मत तो देखिए, सेमीफाइनल में भी पहुंचे, और अगर सेमीफाइनल जीतते तो फाइनल खेलते, चूंकि सेमीफाइनल हारे तो ब्रॉन्ज मेडल मैच खेलना पड़ा, लेकिन सेमीफाइनल में भी चाइना मिल गया भाई। नाम तो आप छोड़ ही दीजिए, सबके एक ही जैसे नजर आते हैं, वहां पर ये 145-143 से ये हारे थे, वहां 2 पॉइंट से हारे थे, यहाँ 1 पॉइंट से हारे। तो यानी वो परफॉर्मेंस अगर दोहरा देते या वो परफॉर्मेंस इस सेमीफाइनल में कर देते जो इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल में की, तो क्या पता फाइनल पहुंच जाते। फाइनल में तो फिर मेडल पक्का ही है, या तो गोल्ड है या तो सिल्वर है। खैर, कोई बात नहीं, राकेश सर आप भी मेहनत करिए। मुझे तो राकेश नाम सुन के वो राकेश शर्मा ही याद आ रहे हैं जो चांद पर गए थे। खैर, कोई बात नहीं, नेक्स्ट इवेंट पर चलते हैं। अभी मैंने ऊपर बात की थी नीतीश कुमार के बारे में, तो उनके इवेंट को मैं बता देता हूँ। सेमीफाइनल मैच इन्होंने जो जीता वो जापान के डियो फुजीहारा, इनको हराया है 21-16 और 21-12 से स्ट्रेट सेटों में, और ये जो हैं नंबर 1 खिलाड़ी हैं। फाइनल में ये डैनियल बिथेल से भिड़ेंगे जो कि ब्रिटेन के हैं और वो नंबर 2 खिलाड़ी हैं। तो मैच कमाल का होगा, जो भी जीतेगा वो अपना बेस्ट है इसलिए जीतेगा, वो बेस्ट है, 1 और 2 की लड़ाई है। 1 को अपना परचम लहराना है, 1 के हिसाब से खेलना है, और 2 को ये कोशिश करनी है कि मुझे 1 को दिखाना है कि मैं भी 1 बन सकता हूँ। ये मैच बहुत 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 एक्साइटिंग वाला होने वाला है, आप लोग इसे देख सकते हैं, पेड प्रमोशन नहीं है, लेकिन स्पोर्ट्स 18 और जियो सिनेमा पर आपको ये सारे मैचेस मिल रहे हैं। ऑल दो थोड़ा सा जो विजुअल इम्पेयर्ड हैं उनको थोड़ी निराशा हाथ लग सकती है, ऑल दो जिन एक्साइटेड हैं वो ज़रूर देखें, और मैं तो कहूँगा आपको ज़रूर देखना चाहिए ये स्पोर्ट्स, आपको एक नया प्रोस्पेक्ट देगा, और आप हो सकता है कभी ग्राउंड पर भी चले जाए मैच देखने, है ना? तो नेक्स्ट इवेंट, ये जो खेल रहे थे नितेश, ये खेल रहे थे SL3 कैटेगरी में, और इसी सेम कैटेगरी में खेल रहे थे सुहास यतिराज, ये भी फाइनल में पहुंच गए हैं, और लेकिन इन्होंने अपने ही हम वतन सुकांत
कदम को हराया है 21-17 और 21-12 से। ये थोड़ा दुख लगता है यार, आपस में ही भिड़ना पड़ जाता है। फाइनल में भिड़े तो अच्छा है, मेडल तो आएगा, दोनों हमारे ही हाथ में आएंगे। अब खैर कोई बात नहीं, फिलहाल जो हमारे सुहास हैं ये फ्रांस के लुकास से भिड़ेंगे, वहीं अपना ब्रॉन्ज मेडल मैच जो है वो खेलेंगे सुहास जो कदम है सुकांत कदम, वो खेलेंगे इंडोनेशिया के सेतियावान से। हाँ जी, ये इनका नाम है सेतियावान, इंडियन नहीं लग रहे ना आपको। हाँ जी, खैर ये इससे भिड़ेंगे ब्रॉन्ज मेडल के लिए, और फाइनल का मैच जो होगा फ्रांस और इंडिया के बीच होगा लुकास और सुहास के बीच। भाविना बेन पटेल टेबल टेनिस के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। प्री क्वार्टर फाइनल में उन्होंने मेक्सिको की मार्था को 3-0 से हराया और ये जीता 11-3, 11-6 और 11-7 से, बिल्कुल एक तरफा मैच। लेकिन क्वार्टर फाइनल में चीन की ली मिलेंगी और बाकी आप फिर आप जानते हैं, बहुत अच्छा खेला तो चाइना का कम से कम कहेंगे चला, नहीं तो फिर चाइना, तो फिर चाइना है, वैसे भी चाइना टेबल टेनिस में कमाल करती है। अब बात कर लेते हैं डिटेल में मनीषा और नित्या की। मनीषा ने जापान की खिलाड़ी को 12-13 और 12-16 के सीधे सेटों में हराया है। नाम में क्या रखा, बड़ा कठिन नाम है, आप मैं नहीं बोल पा रहा हूँ तो मैं आपको सुना भी नहीं पाऊंगा। खैर नित्या ने जो है ओलिविया को हराया है, ये पोलैंड की थी और ये तो एक तरफा मैच था, 21-4 और 21-7, मतलब ये कोई मैच होता है, ये तो एक तरफा मजाक ही था एक तरीके से। खैर नेक्स्ट इवेंट, तो नित्या जिस कैटेगरी में खेल रही थी वो थी SH6। थोड़ा मैं रोइंग की बात यहाँ पर कर लेता हूँ, पैरा रोइंग इसमें हम कभी अच्छा नहीं करते हैं, लेकिन इस बार नारायण और अनीता ने जो है वह दूसरा स्थान, ये बी कोई कैटेगरी है उसके फाइनल में सेकंड स्थान हासिल किया। और तो ये मेडल के लिए नहीं है, ये अब ये डिटेल्स यहाँ से गायब हैं। अगर मैं थोड़ा आपको नंबर बताऊँ तो इसमें 8-16.19 दिया गया है। अब ये 8-16-19 भी बताना थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ी सी डिटेल पर आप भी नज़र रखिए और मुझे भी करेक्ट आप कर सकते हैं। राकेश कुमार की मैंने बात आपसे करी थी, ऑल दो वो ब्रॉन्ज भी नहीं जीत पाए, सेमीफाइनल भी चाइनीज से था, उसके बाद जो ब्रॉन्ज मेडल था वो भी चाइनीज से था, लेकिन उनका जो क्वार्टर फाइनल मैच था, ये मैं थोड़ा आपको बैक स्टोरी बता रहा हूँ क्योंकि जो है सब बताना चाहिए। तो दरअसल राकेश कुमार को इंडोनेशिया के किन मिले थे वहाँ पर, और वहाँ पर जो मैच था वो 5 शूट के बाद जो है वो स्कोर जो था वो 144/144 यानी बराबरी पर छूटा। तो जब बराबरी पर छूटता है आर्चरी में कभी भी गेम तो फिर शूट आउट होता है। शूट आउट का मतलब होता है सिंगल तीर मिलता है, उसमें जिसने बढ़िया किया वो आगे एडवांस हो जाएगा। अच्छा मैं थोड़ी सी डिटेल आपको आर्चरी की और दे दूँ, ये जो 5 राउंड होते हैं इसमें जो शायद पहले 6 पॉइंट, वैसे ये टीम इवेंट में ज़्यादा होता है, इंडिविजुअल में होता ये है कि आपको हर तीर पर मैक्सिमम 10 मिलते हैं और आपको हर एक सेट पर 3 तीर छोड़ने होते हैं, नॉर्मली ऐसा होता है। तो खैर शूट आउट में हमारे जो ये भाई साहब है राकेश कुमार भाई, इन्होंने 10 मारा लेकिन किन सिर्फ 8 ही मार पाए, इसलिए ये पहले तो सेमीफाइनल में पहुँचे लेकिन सेमीफाइनल में हार गए। तो जब आप सेमीफाइनल हारते हैं तो फिर आपको ब्रॉन्ज खेलना पड़ता है, मगर यहाँ भी ये हार गए थे। थोड़ी बात शॉर्ट पुट की कर लेते हैं, मेंस F40 यहाँ पे रवि रुंगाली खेल रहे थे इंडिया के, ऑल दो वो 5वें स्थान पर रहे क्योंकि उन्होंने जो अपना 6वां जो अटेम्प्ट फेंका था वो 10 मीटर का फेंका था और उनका जो बेस्ट था वो 10.63 मीटर का था। तो खैर कोई बात नहीं, निराशा हाथ लगी है यहाँ पर। भाई अवनी और सिद्धार्थ ने तो निराश किया ही किया था, श्रीहर्ष देव रेड्डी रामकृष्ण, सर ये एक ही नाम है और सारे भगवान है आप में तो यार हैं। चलिए खैर ऑल दो आप जो जिस इवेंट में थे वो था SH-2 10 मीटर एयर राइफल प्रॉन, ये इवेंट है और इस इवेंट में इन्होंने स्कोर किया 630.2 लेकिन पोजीशन रहे 26वीं,
इसलिए ये क्वालिफाइंग राउंड से ही बाहर हो गए। कोई बात नहीं, निराशा हाथ लगी है, अगली बार मेहनत कीजिएगा। और जो मैंने शॉर्टपुट में रवि जी को बताया था ना, वो रवि जी का जो छठा जो थ्रो था वो फाइनल थ्रो था, और उन्होंने जो ये फेंका था ना 10.63 मीटर, ये इनका पर्सनल बेस्ट था। तो सर पर्सनल बेस्ट तो फिर बढ़िया है, अगली बार इससे ज़्यादा बढ़िया कहिएगा। लेकिन मुझे इससे एक बात मुझे याद आ गई, वो बात ऐसी याद आ गई क्योंकि अपनी पर्सनल कहानी बता देनी चाहिए। हमारे जो एडिटर बाबू हैं, क्योंकि ये शो केवल मेरी मदद से नहीं, आपको ये मिल रहा है मेरे एडिटर जो कि रेडियो उड़ान के एडिटर हैं विदित, उनके सहयोग से। तो मेरे एडिटर भी इसको सुन के जरूर स्मर्क करेंगे। तो दरअसल ऐसा था कि मैं था NIVH में, है ना, तो ये आज से 12 साल पुरानी बात है। तो उस में वहाँ कोई खेल होते थे, वो खेल होते थे नेशनल गेम समझ लीजिए, स्कूल गेम समझ लीजिए, कुछ भी समझ लीजिए। तो वहाँ पर शॉटपुट एक होती है ना, बॉल होती है, बड़ी भारी सी बॉल होती है, जैसे आप बॉलिंग में खेलते हैं ना वैसे ही बॉल होती है भारी सी, उसको आपको कंधे पे रखना होता है फिर घूम के फेंकना होता है। तो भाई मेरा एक दोस्त था, उसने तो फेंकी, पता नहीं क्या फेंकी थी, मुझे नहीं पता, बड़े अच्छे। मैंने पता क्या फेंका था, मैंने लिया कंधे पे रखा और घूमा, और आपको हाथ बिल्कुल सीधा स्ट्रेट रखना होता है, आप हाथ मोड़ के नहीं फेंक सकते, सीधा हाथ। तो मैंने अपने पैर बस पैर को बचा लिया, पैर से जस्ट आ गए मेरी वो शॉटपुट गिरी थी। ये मेरा पर्सनल बेस्ट है, एक तो भैया क्रिकेट खेल लेते थे मगर शॉटपुट में ट्राई मारा, पैर बचा लिया, ये कहीं वरना पैर टूट जाता। भाई जैवलिन से एक तो निराशा है, प्रवीण कुमार, जी हाँ जी, ये जो है फाइनल राउंड में 8वें पोजीशन पर रहे और बाहर हो गए, मेडल नहीं मिल पाया। वहीं मैंने आपको बताया ना कदम साहब के बारे में, सुकांत कदम जो कि एक इंडियन से ही भिड़ गए थे, हार गए थे। तो अगर मैं उनके ग्रुप स्टेज की एक मैं बात करूं, तो दूसरा जो उनका मैच था वो किसी इंडोनेशिया खिलाड़ी के साथ था, और 25 मिनट में 21-12 से उनको हराया था, सेमीफाइनल में पहुंचे, लेकिन ठीक है, ओके फाइन। SL4 इस कैटेगरी में खेलते हैं सुकांत कदम। अब मैं आपको बता देता हूं जिसका इंतजार आपको सबसे ज्यादा होगा, और वो है शीतल देवी। तो भाई निराशा हाथ लगी है, लेकिन वो बताने से पहले मैं यही कहना चाहूँगा, उड़ान अभी बाकी है, हौसले अभी बुलंद हैं, सब्र कर, तेरा भी वक्त आएगा, तू भी परचम लहराएगा। पता नहीं कितनी अच्छी है, खैर आपको पसंद आई तो बता देना, बताना कहा मैं लास्ट में बताऊँगा। खैर तो दरअसल ऐसा है कि शीतल देवी का मैच था चिली की मारियाना के साथ, और मैंने आपको पिछले एपिसोड में बताया था कि मारियाना ऑलरेडी सिल्वर मेडलिस्ट हैं, लेकिन आप शीतल देवी की इस बात को आपको दाद देनी पड़ेगी हिम्मत की कि वो सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट, सिर्फ एक पॉइंट से हारी हैं। 138 मारियाना के थे और 137 शीतल देवी के, हाय वो एक पॉइंट, एक कदम की दूरी, एक छोड़ दीजिए अब इतना ज्यादा नहीं खींचूंगा, नेक्स्ट इवेंट। भाई शीतल देवी तो हारी ही हारी थी, जो कि था उनका कंपाउंड ओपन मिक्स, यार मिक्स नहीं यार, इंडिविजुअल, जी हाँ शीतल देवी का था इंडिविजुअल कंपाउंड आर्चरी ओपन के क्वार्टर फाइनल में वो हारी। लेकिन सरिता कुमारी ये भी जो है अपना मैच टर्की के खिलाड़ी से हार गई 145-140 के मार्जिन से, यानी कि 5 पॉइंट का गैप, यानी कई सारे आपने 8 या 9 मारे होंगे, मोस्ट प्रोबेबली 8 मारे होंगे। खैर तो ये था आप लोगों के लिए आज का पूरा लेखा झोंका, और लेखा झोंका, हाँ ये मैं नया वर्ड मैंने निकाला, लेखा झोंका, झोंका था भाई मेडल्स का, हार का और जीत का, और लेखा झोंका यार लेखा झोंका वो मेरी आवाज में था। खैर तो अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि अगर आपको मुझे अपनी शिकायतें, प्रेज कुछ भी देना है, तो आप radiodan@gmail.com पर जाएं, और कैप्शन नहीं यहाँ होता है, वहाँ सब्जेक्ट होता है, तो सब्जेक्ट में लिख दें पेरिस पैरा ओलंपिक रिव्यू, और उसके बाद जो आपको वहां पर कहानी लिखनी दे दीजिए, मुझ तक पहुंच जाएगी, और कोशिश करेंगे हम आपकी इस कहानी को यहाँ बताएं कि आपको ये कैसा लगा। फिलहाल के लिए मैं हर बार की तरह इस बार भी ये कहता हूँ आपसे
जाऊंगा कि अपना ख्याल रखें, मुझे अपने दिलों में याद रखिए। साथ साथ हम थैंक्स करेंगे अपने एडिटर विदित का, क्योंकि वो इस पूरे कार्यक्रम के दौरान हमारे साथ रहे, उन्होंने इसको एडिट किया है। और मैं आपसे मिलूंगा फिर एक नए अंक में पेरिस पैरा ओलंपिक में, क्योंकि 8 सितंबर तक की पूरा कारवां चलेगा, तो मोस्ट प्रोबेबली 9 तारीख तक मैं आपके साथ इस स्पेशल शो में बना रहूंगा। सुनते रहिए रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। ये है इंडियाज ओनली रेडियो स्टेशन रन बाय पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज।